खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सिविल न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बाद भी कुछ लोग जमीन को औने पौने दाम पर फर्जी तरीके से बेच रहे हैं, जैसे अधिवक्ता के द्वारा अदालत में भी परिवाद के लिए दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई न होने से फरियादी दर दर की ठोकरें खाते भटक रहे हैं। अगर मामले की जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जो जमीन का मामला अदालत में विचाराधीन है वो कैसे बेची जा सकती है। क्या विषय है जिस पर आपका वो चल रहा है? हमारा मामला चल रहा है, सिविल वाद प्रस्तुत है, ये नवम व्यवहार न्यायाधीश महोदय रीवा की न्यायालय में चल रहा है, मीनल नंदेश्वरी गजबीर की न्यायालय में चल रहा है। इसके दौरान क्या है, प्रतिवादीगण जो है तो कुछ जमीनें बेच रहे हैं। कौन है प्रतिवादी? प्रतिवादी अनिल कुमार पांडे, शैलेंद्र कुमार पांडे, दोनों के पिता मथुरा प्रसाद पांडे हैं और ये निवासी गगहरा के हैं। गगहरा हुजूर तहसील के अंतर्गत आता है और रायपुर तहसील के तहसील अंतर्गत ग्राम भलवा व रोर की जमीनें हैं, उसमें विक्रेता बेचने वाले हैं ब्रजेंद्र प्रसाद शुक्ला और पिता हीरालाल शुक्ला और उनकी पत्नी श्रवण कुमारी, पति विजेंद्र प्रसाद शुक्ला, ये विक्रय करने के फिराक में। कितनी भूमि बिक्री हो रही है? जमीन विक्रय कर चुके हैं, 2 एकड़ के अलावा विक्रय कर चुके हैं, जो कि विक्रय किए हैं एक शुक्ला जी को, रतहरा के निवासी हैं, मंजू पांडे पति वरुण शुक्ला के नाम पर वो जो है तो भूमि विक्रय कर चुके हैं और एक निशा साकेत के नाम भी विक्रय कर चुके हैं, उनके पति का नाम है आर्या साकेत। इसकी जानकारी आपने अधिवक्ता के जरिए अदालत तक पहुंचाई है क्या? अधिवक्ता मैं स्वतः हूँ, वो जानकारी तो मैं न्यायालय में भी पहुंचा दिया हूँ, तो पक्षकार के लिए भी सूचित कर दिया हूँ। क्या नाम है आपका? अमित पांडे भुकट। यह मुकदमा माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसका केस क्रमांक है RCSA 115/2015 जो विचाराधीन है। आज 18 साल हो गया है और लल्ली देवी विरुद्ध प्यारी देवी के नाम पर केस चल रहा है, मीनल नंदेश्वरी गजबीर की न्यायालय में है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।